तो यहाँ पर तंबाकू की खेती बहुत ही ज्यादा होती है। इंजन विंजन सब टेढ़ा मेढ़ा हो गया इसका। कच्चा मकान बना रखा है, पूरा मिट्टी से बना हुआ है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे ही होंगे। तो अभी हम हैं गंज डुंडवार के अंदर में और अभी निकल रहे हैं हम काम से मम्मी के। तो हमें जाना है फरुखाबाद पहले, तो फरुखाबाद का काम खत्म करना है। तो बस अभी तैयार वैयार तो हो गए हैं और बस निकलते हैं और मिलते हैं अभी आगे। तो अभी यहीं पे है गंज डुंडवारा का रेलवे स्टेशन। अभी हम लोग तो निकल चुके हैं, गर्मी हो रही है अच्छी खासी, तो अभी एसी वगैरह ही चला के थोड़ी शांति से पड़ी। अभी एसी की भी सर्विस करानी पड़ेगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और एसी भी कम काम कर रहा है क्योंकि इस पर गंदगी वगैरह जम गई होगी। तो कई साल भी हो चुके हैं इसको सर्विस कराए हुए, भी तो कराना पड़ेगा। देखें वो भी दिखाऊंगा मैं कि इतनी गंदगी निकलने वाली है इसके एसी में। तो यहाँ पर तंबाकू की खेती बहुत ही ज़्यादा होती है और अभी पीछे भट्टे वगैरह बहुत निकल चुके हैं और अभी एक सामने भी आया है। तो वहाँ पर पीछे भट्टे पर ईंट बना रहे थे लोग, तो वहाँ भट्टा नहीं है, कच्ची ईंट बनती है और यहाँ आके बनाते हैं उनको पक्का, यहाँ पकाई जाती है इस पर। तो अभी शायद ये नया भट्टा बनाया, तो अभी यहाँ काम भी चल रहा है। अभी देख ही सकते हो यहाँ पर कितना प्यारा कच्चा मकान बना रखा है, पूरा मिट्टी से बना हुआ है, कच्ची ईंटों से और मिट्टी से, ऊपर टीन शेड या छपड़ा वगैरह डाल रखा है। तो यार इनकी भी क्या जिंदगी है, देखो कैसे लोग कैसे कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं गाँव के अंदर में। यहाँ कोई साधन नहीं आने के, अभी मैं मेन रोड से अंदर आया हूँ, देख सकते हो कोई भी साधन नहीं है अंदर आने का, सब पे वैसे तो अब ज़्यादातर घरों में बाइक वगैरह है। तो अभी यहाँ पे पुल वगैरह आ चुका है, सामने कुछ फैक्ट्री वगैरह भी बन रही है जैसे कि दिख रही है मुझे सामने, दूर पता नहीं क्या बना हुआ है। तो ये नदी है, यहाँ पे पुल वगैरह आ गया है, क्या काली नदी है ये, अंजन लगा रखा है लोगों ने पानी खींचने के लिए। तो ये पुल भी नया बना है, पहले यहाँ पे ये दोनों गांव थे अलग अलग थे, जाने के लिए कोई साधन नहीं था। तो यहाँ की सोसाइटी देख के ना अभी लग रहा है कि नई नई डेवलपमेंट हुआ है अभी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कच्चे मकान, ज़्यादातर कच्चे मकान बने हुए हैं। तो अभी जहाँ पीछे से हम लोग आए हैं, जहाँ पीछे से आए हैं वहाँ पे बिल्कुल भी कोई डेवलपमेंट नहीं था इस गाँव के अंदर, तब भी ठीक है। यहाँ तो पक्का सब कुछ पक्का दिख रहा है, दुकान वगैरह भी बन रही है, वहाँ तो कच्चे में रह रहे हैं बताओ। और ये देखो पेट्रोल पम्प, ये है पेट्रोल पम्प, पेट्रोल बिक रहा है कैसा पेट्रोल पंप है भाई, बोतलों में भर के रख रखा है पेट्रोल भी। तो अभी हम लोग ऐसे देहातों के अंदर में चल रहे हैं जहाँ पे देख लो कोई भी फैसिलिटी नहीं है, रोड देख रहे हो अभी बन रहा है। चलो अब एक चीज तो है कि अब रोड हर जगह के बन रहे हैं, लेकिन पहले के टाइम में गड्ढे गड्ढे होते थे, कच्चे होते थे बिल्कुल। अभी तो इस पे रोड ही वगैरह पड़ चुकी है, बस इस पे पीछे से रोड बना के लेके आ रहे हैं। एक और भट्टा आ गए यहाँ पे, यहाँ पे ईंट पकाई जा रही है। और देख लो यहाँ पे कोई भी साधन नहीं है, बस अपनी बाइक साइकिल वगैरह से निकल रहे हैं लोग। तो अभी हम लोग जिला एटा के अंदर में चल रहे हैं, कासगंज। पहले हम लोग पीछे कासगंज जिले के अंदर थे और अभी हम लोग एटा जिले के अंदर चल रहे हैं। एटा और कासगंज बिल्कुल लगे हुए हैं एक दूसरे से। और अभी यहाँ देख ही सकते हो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बंजर जमीन, यहाँ पे बिल्कुल सूखी मिट्टी है। यहाँ पे पुल पर भी झाड़ू मार रहे हैं, पुल पर इसीलिए झाड़ू मार रहे हैं ताकि रोड अच्छे से बने। तो अभी हम लोग रास्ते में रुके हैं, पता नहीं कुछ आवाज वगैरह हो रही है इसके अंदर, समझ में नहीं आ रहा क्या चीज आवाज कर रही है इस टायर में से। तो हो सकता है शायद कुछ डिस्क से कुछ चीज टकरा रही हो। तो अभी चलते हैं देखते हैं दोबारा आवाज, तो फिलहाल तो अभी बंद हो गई थी आवाज चलते चलते, और अगर दोबारा आती है तो किसी मिस्त्री को दिखाते हैं अभी रास्ते में, इसको लगा देते हैं अभी वापस। तो अभी रोड देख सकते हो कितना ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है और सब तरफ खेती खेत, एकदम वीरान सा लग रहा है इधर की मिट्टी वगैरह जो है ना बहुत ही ज्यादा ड्राई है, सूखी मिट्टी है राजस्थान की तरह। अभी यार हमारी कार जो है ना एक तरफ भाग रही है, इसका अलाइनमेंट आउट हो गया है, गुटके वगैरह भी कट गए साथ जिसकी वजह से लेफ्ट में भाग रही है। इधर की साइड में ना बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ एरिया है, बहुत ज़्यादा पुअर एरिया है, डेवलपमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अलीगंज, जो यहाँ पर है अलीगंज का बस स्टैंड, बस वगैरह खड़ी है, बहुत छोटा सा बस स्टैंड है। आज जो एसी हमारा भाई बिल्कुल फेल हो रहा है, गर्मी के वजह से बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है।
पर हाँ अभी इतना पसीना नहीं आ रहा है, बीच बीच में ना बहुत ही ज्यादा गर्मी होने लगती है। एसी की सर्विस कराएंगे सबसे पहले जाके अलीगढ़, क्योंकि अब गर्मी का टाइम है और छोटी वाली गाड़ी का भी एसी खराब है। तो फिलहाल तो हम गर्मियों में एसी को चलाएंगे, वो खड़ी रहेगी ज्यादातर, वो सिर्फ तालाब जाने के लिए रहेगी। तो भी यहाँ पे मेला लगा हुआ होगा, अभी मेला खुल चुका है तो कुछ चीजें रह गई हैं यहाँ पे। अभी हमारे यहाँ पे बुलंदशहर के अंदर भी नुमाइश लगी हुई है, तो अलीगढ़ जुट के अब बुलंदशहर चली गई है, तो देखते हैं अगर जाना होगा तो घूम के आएंगे। ट्रैक्टर भर के जा रही है शकलगंदी, देखो भाई साहब कितनी सारी जा रही है शकलगंदी। मैंने तो बहुत टाइम से खाई नहीं है शकलगंदी, मेरे को बहुत पसंद थी शकलगंदी, अब तो ये लोग लेके कोई आता नहीं, बनाता ही नहीं है। हम ही लेके आएंगे अब। ये पता नहीं क्या बना हुआ है यहाँ पे, अभी देखते हैं, गेट पे कुछ लिखा हुआ तो है यहाँ पे। फोन कर रहा था, ये है स्पोर्ट स्टेडियम अलीगंज एटा, एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे भाई साहब, बोलेरो घुस गई साइड से, इंजन विंजन सब टेढ़ा मेढ़ा हो गया इसका। अब गांव गांव होके जा रहा है रोड, यही मेन रोड है। तो अभी रास्ते में पड़ा है तालाब, तालाब देख के मजा आ गया, पानी बहुत बढ़िया हो रहा है, बिल्कुल हरा पानी हो रहा है इसका, बच्चे भी नहा रहे हैं इसके अंदर में। इसके अंदर में मछली वगैरह बहुत अच्छी पलती है क्योंकि हरा पानी है इसका। हाँ बहुत है, बहुत बड़ा, पर ऐसा लग रहा है मैं दोबारा आया हूँ उधर की तरफ। देखो भाई लोग क्या सीन आ रहा है यहाँ पे, सारे गेहूं ही गेहूं, ऐसा लग रहा है जैसे सारी धरती ना गोल्डन हो गई है। क्या दूर दूर तक देख रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं है, कोई पेड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, सामने कितनी दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है ना, सब तरफ गेहूं ही गेहूं है। वाह भाई बहुत बढ़िया, इसी को कहते हैं भाई सोना। वो जो गाना है ना इसी पे सूट करता है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, भाई यही सही बात है, सोना है ये, यही तो गोल्ड है भाई, इसके बिना तो सब कुछ बेकार है। अब जहाँ देखोगे वहां सिर्फ यही मिलेगा आपको, गेहूं ही गेहूं, बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है यहाँ पे। तो अभी अचानक से धूप चली गई और अब देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, देखो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी हम लोग पहुंचने ही वाले हैं जहाँ पे काम था, अभी सामने का देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, धूप की वजह से पता नहीं लग रहा था। लद्दाख ही पहुंच गए, लद्दाख के बादल इधर ही आ गए। किसी ने यहाँ पे तालाब बनाया होगा और ये शायद फूट गया है, इसलिए पानी वगैरह सब भारी पड़ा है बेचारे का, तालाब के लिए अच्छी है जमीन। और अब सामने का व्यू देखो भाई कितना खतरनाक है, इधर गेहूं वगैरह की खेती भी हो रही है और रोड जो है ना बिल्कुल ही ऐसा हो रहा है जैसे किसी ने बेलचा मार मार के बनाया हो। अभी सामने देख सकते हो, इधर धूप नहीं है, सामने धूप है, आगे मेरे को दिखाई भी दे रही है अच्छे से धूप, और अभी देखो बस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, ए लो आगे धूप, पीछे छाया आगे धूप, कहीं धूप कहीं छाया, हे राम तेरी माया। ओरे बाबा, अभी हम जिस गांव के अंदर आए थे केस के चक्कर में, मम्मी का वो काम तो हो चुका है। अभी मेरी नजर पड़ी मूर्ति पर, एक पर भोले जी की यहाँ पर मूर्ति रखी हुई है, दिखाता हूँ मैं आपको। और भाई यहाँ पर पेड़ देख रहे हो किस तरीके का है, कितना अजीब सा पेड़ है, यहाँ पे मूर्ति वगैरह लगा रखी है, शिवलिंग बना रखी है, तो यहाँ देख ही सकते हो। जय हो, पेड़ देख रहे हो, मट्टी है, मट्टी के ऊपर पेड़ है, ये कितना पुराना पेड़ है, बहुत ही पुराना पेड़ है। तो आज तो यार हम लोग अभी थक गए हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि सुबह से निकले हैं और अभी भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो इधर ही ये वाला घर था, अंदर दो रास्ते थे, पीछे का रास्ता था, गाड़ी इधर से आ सकती है। बहुत पुअर एरिया है इधर का, बहुत ही ज़्यादा पुअर, क्योंकि यहाँ पे रोजगार वगैरह कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ खास, नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं लोग यहाँ पे, और जो ज़मीन जायदाद वाले हैं वो तो अपना मज़े से जी रहे हैं। तो अभी यहाँ से अलीगंज है 18 किलोमीटर और अलीगढ़ है 140 किलोमीटर। पहले हम लोग अलीगंज पहुंचेंगे, फिर वहां से कंजनडवारा के लिए रास्ता निकलता है, पटियाले होती है, तो वहां से जाना पड़ेगा हमें। यहाँ पर वैसे अब सारे रोड देख लो यार, मस्त बने हुए हैं, इतनी
इतना बढ़िया रोड सोचा नहीं था, लेकिन रोड बहुत बढ़िया बना हुआ है। अभी अलीगंज 10 किलोमीटर रह गया है, लड़ाई दंगल हो गया। तो अभी शाम होने लग गई है और पेट में भूख लग रही है हल्की हल्की, थोड़े बहुत फल फ्रूट खा लिए थे। तो अभी शाम हो चुकी है, सूरज भी डूबना स्टार्ट हो चुका है, 6 बजने वाले हैं। गर्मी आ गई है तो सूरज भी थोड़ा लेट ही डूबता है। मेरा जो गला है बड़ा परेशान कर रहा है, दर्द हो रहा है गले में भी, आज दवाई भी नहीं खाई है। तो अभी सूरज देखो सामने पहुंच चुका है और अब अचानक से अंधेरा हो जाएगा बाबा। थोड़ी ही देर में तो मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है गले की वजह से, तो बार बार खांसी आ रही है। और आने में रोड बहुत अच्छा था, जाने में तो पता नहीं कहां कहां से होकर गए थे, और व्यू बहुत अच्छा रहा है सामने का, देख ही सकते हो अभी। रोड भी बहुत अच्छा बना हुआ है। देख सकते हो सामने कितना बेहतरीन व्यू आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बादलों में से चीर के निकल रहा है सूरज। क्या सीन है भाई। अरे यार ये घर और आगे बीच में, हाँ हाँ आप देखो सामने। तो अभी गंज डुंडवारे के अंदर हम आ चुके हैं और अभी इन लोगों को घर छोड़ कर पहले सबसे पहले मैं खाना लेके आऊंगा। खाना लेके आना है, भूख लग रही है बहुत ही ज्यादा, शाम के 6 बजे खाना नहीं खाया आज, आवाज भी बदल ली है, दवाई भी नहीं खाई है। तो अभी सब लोगों को तो मैंने घर पे छोड़ दिया है और घर के बिल्कुल पास में कोतवाली है। तो अभी खाना वाना लेके आते हैं और मिलते हैं वहीं पर। तो अभी अपना खाना भी पैक करा लिया है और बस अभी घर के लिए निकल गया हूँ, और घर पहुँचते हैं और निकालते हैं अपना खाना। तो अभी अपना खाना जो है वो आ चुका है और अभी मैं लेके आया था चिकन चंगेजी। चम्मच किधर है? अच्छा ये बड़ा सा चमचा हो, तो देख सकते हो अभी मस्त है, इसका मैंने पहले भी ट्राई किया है। अभी लाइट यहाँ पर कम है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है ये, तो चलो खाते हैं और देखते हैं। तो अभी खाना पीना तो हो चुका है और बस अभी आराम करेंगे, क्योंकि आज जो है ना बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ही ज़्यादा सफ़र हो चुका है आज। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय। चीज खास है अब है जो है।